हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का आंसर की जारी कर दिया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने अपना अपना स्कोर जरूर चेक कर लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है आज का, ये उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में आ रहा है। उनके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि क्या वे सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे या फिर वे अनसेफ हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं कंप्लीट रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कि क्या सचमुच में आप लोग सेफ हैं। 2015 में जो वैकेंसी आई हुई थी और इस बार जो वैकेंसी आई हुई है एनटीपीसी में, उनको हम लोग जोन वाइज देखेंगे कि किस जोन में 2015 में कितनी वैकेंसी थी और अब की बार कितनी वैकेंसी है, इस पर भी आपका जो है सिलेक्शन डिपेंड करेगा। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि क्या कम निगेटिव रहने पर नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा स्कोर बढ़ता है या फिर स्कोर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी लोग अपने अपने जोन की वैकेंसी जरूर चेक कर लेंगे। देखिए 2015 में कितनी वैकेंसी थी आपके जोन में और इस बार कितनी वैकेंसी है, इसको एक बार अगर आप देख लेते हैं तो आपके मन में जो संशय है उसमें से आधा संशय मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाप्त हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद में 2015 में 826 वैकेंसी थी और 2019 में 1024 वैकेंसी है। अजमेर में 2015 में 1034 थी और 2019 में, यानी कि इस बार जो है 1773 वैकेंसी है। उसी प्रकार से इलाहाबाद में 1971 थी और इस बार 4099 है। आप देख सकते हैं अमूमन सभी जोन में जो है वैकेंसी डबल हो गई है, डबल से भी ज़्यादा कहीं कहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद बेंगलोर की बात करते हैं तो 524 थी, इस बार 2470 है। भोपाल में 914 थी और इस बार 997 है। यहाँ पर देख लीजिएगा, भुवनेश्वर में 701 वैकेंसी थी 2015 में, लेकिन इस बार जो है इसमें कम हुआ है, 498 वैकेंसी इस बार है। उसके बाद आगे देखेंगे बिलासपुर, तो बिलासपुर में देख लीजिएगा 187 वैकेंसी थी और इस बार 1207 वैकेंसी है। उसके बाद चंडीगढ़ का कटअप पिछले बार सबसे ज़्यादा गया था, कारण था कि 246 वैकेंसी थी मात्र वहाँ पर, और इस बार देख लीजिए कितनी है, 2483 है। तो देखिए कितना ज़्यादा वैकेंसी इस बार है चंडीगढ़ जोन में। उसी प्रकार से आप यहाँ पर चेन्नई में देख लीजिएगा, 619 थी पिछले बार और इस बार जो है 2694 वैकेंसी है। गोरखपुर में मात्र 182 वैकेंसी थी और इस बार 1298 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कटअप से डरना नहीं है। इस वीडियो का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको जो दिमाग में आपका जो डर है उसको निकालना और होपलेस नहीं होना है। जब तक कटअप नहीं आ जाता है, फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है, आपको होपलेस नहीं होना है। देखिए नॉर्मलाइजेशन बाबा जब आएंगे, जब प्रकट होंगे, तो ना जाने कितनों का नसीब खुलेगा। देखिए उसके बाद गुवाहाटी की बात करते हैं तो 387 वैकेंसी थी उस टाइम और इस बार 851 है। जम्मू बोर्ड की बात करें तो जम्मू श्रीनगर में उस समय जो है 159 थी और इस बार 898 है। कोलकाता में 963 थी उस समय और इस बार देख लीजिए लगभग 3000 है, 2949। मालदा का देख लीजिएगा, मालदा में 260 वैकेंसी थी और इस बार 1043 वैकेंसी है। मुंबई बोर्ड की बात करें, 1724 थी उस बार और इस बार देख लीजिएगा लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है, 3665 वैकेंसी। मुजफ्फरपुर में 296 थी, इस बार 329 है। उसके बाद देख लीजिएगा पटना जोन की बात करते हैं तो 425 था और इस बार देख लीजिए 1029 हो गया है। रांची में 337 थी 2015 में और इस बार 1386 वैकेंसी रांची में है। सिकंदराबाद में देखिए 1587 थी 2015 में और इस बार 3234 वैकेंसी है। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सिलीगुड़ी में देखिएगा इस बार जो है 200 पिछले बार 265 थी और इस बार 443 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम कह लीजिए, उस समय 416 थी और इस बार जो है 897 वैकेंसी है। देखिए पिछले बार जो है वैकेंसी ज़्यादा आई थी, लेकिन रिवाइज किया गया था, बहुत सारे जोन में जो है डिक्रीज कर दिया गया था, घटा दिया गया था वैकेंसी, तो 14023 वैकेंसी थी पिछले बार और इस बार देख लीजिएगा 35277, यानी कि लगभग ढाई गुना वैकेंसी है, डबल से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसीलिए यह वीडियो जो है आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने बनाया है। आपको होपलेस नहीं होना है, अंत तक आप होप रखिए, मन में विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आगे अब हम बात करते हैं कि क्या 50 से 60 वाले जो हैं वो सेफ हैं, इसका मैं प्रॉपर रीज़न भी आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको कट ऑफ से नहीं डरना है। इसका सबसे पहला कारण यह है कि इस बार जो वैकेंसी है ये 35277 है और इसका 20 गुना कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। तो यह आंकड़ा कम नहीं होता है, लगभग 7 लाख, अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो 7,05,540 कैंडिडेट को जो है
सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसलिए आप घबराइए मत, होप रखना आपको। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं और कुछ फैक्ट्स पर। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स कि आपको कटऑफ से नहीं डरने का दूसरा कारण क्या है, तो दूसरा कारण है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का अटेंडेंस। ओवरऑल अटेंडेंस की हम बात करें तो ये लगभग 50% अटेंडेंस रहा है, बहुत सारे जोन में तो इससे भी कम रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके कटऑफ को कम करने में। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो कटऑफ बनेगा वो कटऑफ आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर बनेगा। अभी जो आपका नंबर आ रहा है निगेटिव हटा करके, आंसर की आपने चेक किया होगा, वो आपका रॉ मार्क्स है। रॉ मार्क्स पर कटअप नहीं बनता है, कटअप जो बनता है ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर पर बनेगा। हालांकि मैंने रॉ मार्क्स पर भी कटअप बताया हुआ है कि अगर रॉ मार्क्स आपका इतना है तो आप सेफ हैं, और नॉर्मलाइज्ड स्कोर का भी मैंने कटअप बताया हुआ है। कटअप वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, बहुत ही सटीक मैंने वहाँ पर कटअप बताया हुआ है, और निश्चित रूप से इसी के इर्द गिर्द जो है कटअप रहने वाला है। ठीक है, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, उन्होंने भी उसी के आसपास बताया हुआ है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए, अब तीसरा रोल जो होगा आपके कटअप में वो करेगा डिसाइड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन यानी समझ लीजिए एक तरह से ये भगवान बनकर आएगा, बहुत सारे बिगड़ों का ये किस्मत बना देगा, जिनका बहुत ही कम नंबर है उनका अच्छा खासा नॉर्मलाइज होकर के स्कोर बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपका जो क्या 50 से 60 वाले सेफ हैं, इसके बारे में इसके बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है ये इजी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और टफ शिफ्ट, ये तीन शिफ्ट है। अब किसका इजी है, किसका मॉडरेट है और किसका टफ शिफ्ट है, ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा कि किसका शिफ्ट हार्ड है, किसका शिफ्ट मॉडरेट था और किसका इजी था। तो अच्छे खासे यहाँ से जो है स्कोर नॉर्मलाइज होकर के बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो होप रखिए, निश्चित रूप से आपका भी सिलेक्शन होगा। फ्रेंड्स, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं कि क्या 50 से 60 के बीच में जिनका स्कोर आ रहा है वो सेफ हैं, क्या वो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस पर हम देखिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि देखिए, बहुत सारे YouTube चैनल के माध्यम से सर्वे कराया गया था। अब इस सर्वे में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो नंबर आ रहा है वो 50 से 60 के बीच में आ रहा है, 60 से लेकर के 70 के बीच में बहुत ही कम स्टूडेंट हैं, और 70 प्लस में तो मतलब बहुत ही ना के बराबर स्टूडेंट है, बहुत ही कम परसेंटेज है इनका। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्कोर आ रहा है स्टूडेंट्स का वो आ रहा है 50 से 60 के बीच में। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ये 50 से 60 के बीच में जिनका जिनका नंबर आ रहा है वो सभी लोग सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो मैं बताऊंगा कि किनका जो है सिलेक्शन होगा, किनका ज़्यादा नंबर जो है ये बढ़ेगा नॉर्मलाइजेशन में, जिनका ज़्यादा बढ़ेगा सीधी सी बात है वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा रीज़न यह है कि पिछली बार जो सीट थी वो मात्र 14,023 सीट थी, इस बार कितनी है, तो फ्रेंड्स इस बार जो है 35,277 है, और इसका 20 गुना सिलेक्ट करना है, लगभग 7 लाख, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। उसके बाद जो अटेंडेंस है ये भी इस बार काफ़ी लो रहा है, तो एक और ये रीज़न है। अब देखिए, जब ये बाबा आएंगे नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, ये जब बाबा आ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन बाबा, तो ये बिगड़ी हुई भाग बनाएंगे और ये निश्चित रूप से प्रकट होंगे और बहुत सारे लोगों का किस्मत भी खोलेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। तो मैंने आपको बताया था कि टफ शिफ्ट पर जो है नंबर इंक्रीज होता है, हाँ, लेकिन अब देखिए टफ शिफ्ट वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 50 से 60 के बीच में आ रहे हैं, क्या सबका बराबर स्कोर बढ़ता है, नहीं, सबका बराबर नहीं बढ़ता है। देखिए, जिनका जितना कम निगेटिव है, सपोज कीजिए, मान लीजिए किसी शिफ्ट में, मैं सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एक कैंडिडेट है ए जो है एग्ज़ाम देता है और दूसरा कैंडिडेट बी है, ए जो है 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है, बी केवल 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट करता है। आंसर की रिलीज होने के बाद, जैसे अभी आंसर किया है और आप सभी लोगों ने अपना अपना स्कोर मिलाया है, उसी प्रकार से ए ने अपना स्कोर चेक किया तो इसका जो है 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, बी का केवल 9 क्वेश्चन रॉन्ग होता है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, 80 में से 15 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। चूँकि 15 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो निगेटिव भी कटेगा, निगेटिव कितना कटेगा, इसका 5 नंबर निगेटिव कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका रॉ मार्क 60 आ जाएगा। इसका देख लीजिएगा, 72 में से 9 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 72 में से 9 घटाइएगा फ्रेंड्स तो बताइए कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। हालांकि 9 क्वेश्चन इसका रॉन्ग हुआ है तो 3 नंबर इसका भी जो है निगेटिव कट के इसका भी रॉ मार्क्स कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। यानी कि ए का भी रॉ मार्क 60 है और बी का भी रॉ मार्क्स कितना है, 60 ही है। अब देखिए, अब नॉर्मलाइजेशन में सीधी सी बात है, बताइए सेम शिफ्ट है किसका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा,
कॉमन वाली बात है, कॉमन सेंस की, जिसका कम निगेटिव है उसका ज़्यादा नंबर बढ़ता है। तो कम निगेटिव किसका है, कम निगेटिव जो है बी का है, तो सीधी सी बात है बी का ज़्यादा नंबर बढ़ जाएगा, ए से ज़्यादा नंबर बी का हो जाएगा, तो सिलेक्शन किसका होगा, बी का होगा। और सीधी सी बात है कि जिनका ज़्यादा नंबर बढ़ेगा उन्हीं का सिलेक्शन भी होगा। उसके बाद एक और बात पर जो है नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है, वो होगा क्वेश्चन का लेवल। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो टफ होते हैं आपके एग्जाम में, जो बहुत कम लोग जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो जो टफ क्वेश्चन होता है, जो RRB है उस पर जो है जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो ज़्यादा अंक दे देता है कभी कभी, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सभी बात है, आपको होप रखना है जिनका भी 50 से 60 के बीच में स्कोर आ रहा है, बिल्कुल वो निराश ना हो, कहीं ना कहीं जो है नॉर्मलाइजेशन जब होगा ये बहुत बड़ा खेला होगा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन छोटा मोटा खेला नहीं है, बहुत बड़ा खेला होगा। तो होप रखिए आपका सिलेक्शन होगा, मोटिवेटेड रहिए, कभी भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है, ठीक है। फ्रेंड्स कटअप वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।